तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने एक फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, जो कि है पोस्ट कोड 760 का, और पंचायत ऑडिटर के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, ये करवाया गया था 25 अक्टूबर 2020 को। तो इसमें जो आयोग के पास एप्लीकेशन रिसीव हुए थे वो 30,118 हुए थे, और 26,213 कैंडिडेट को जो है एडमिट कार्ड जारी किया था रिजेक्शन लिस्ट के बाद। तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे देखने को मिले हैं कि मतलब जिन्होंने फॉर्म भरा है। और उसके बाद बात करते हैं कि जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने के लिए आए थे वो आए थे 11,563 कैंडिडेट एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, और 14,650 कैंडिडेट जो है वो अब्सेंट रहे थे। ठीक है, तो इवेल्यूशन के लिए जो कैंडिडेट बुलाए गए थे वो 18 कैंडिडेट टोटल इवेल्यूशन के लिए बुलाए गए थे। तो इनका इवेल्यूशन जो है फरवरी में करवाया गया था, 15 फरवरी 2021 को। तो यहाँ पर जो 5 कैंडिडेट है वो सिलेक्ट कर लिए गए हैं। आप देख सकते हो कि नेकराम बनीत कुमार, अंशुल कटोच और विजय पाल और मोनिका पठानिया, तो इनके आगे मार्क्स मेंशन किए हैं, तो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कट ऑफ गई है वो वेटिंग लिस्ट में कौन है और कट ऑफ कितनी गई है। तो अगर बात करें कि वेटिंग लिस्ट में कौन कौन है, तो जनरल अनरिजर्व में जो रखे गए हैं, तो जनरल अनरिजर्व में जो रखे गए हैं वो 4 कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। तो ये जो 4 कैंडिडेट है वो अनुराग शर्मा, पंकज ठाकुर, जयचंद और निखिल है। और ओबीसी रिजर्व की बात करें तो संदीप कुमार, विक्रम शर्मा और मनीष कुमार हैं, और तो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी गई है। तो जो कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो गई है वो गई है जनरल रिजर्व के लिए 78.91 और ओबीसी रिजर्व के लिए 17.71 और एससी रिजर्व के लिए 68.91, दो की काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि कितने जो है इवेल्यूशन में कितने मार्क्स लगे हैं। तो ये उन कैंडिडेट के मार्क्स है जिन्होंने इवेल्यूशन दिया था। तो इवेल्यूशन के मार्क्स आप देख सकते हो यहाँ पे हैं, जैसे कि मोनिका पठानी के 3.73 लगे हैं और सबसे ज़्यादा इन्हीं के मार्क्स है, तो 79.23 है। तो आप चेक कर सकते हो वीडियो को पॉज करके भी। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि उन कैंडिडेट्स के मार्क्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, टोटल कैंडिडेट्स। तो ये जो उन कैंडिडेट्स के नाम है जिन्होंने कि एग्ज़ाम दिया था, तो बात करते हैं कि कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था। तो यहाँ पर जो टोटल जो यहाँ पे 11,563 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था। तो इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपका आप रोल नंबर और अपनी कैटेगरी के साथ अपने मार्क्स चेक कर सकते हो कि आपने कितना स्कोर किया था इस एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।